देख रहे हैं टीआरएल न्यूज की खास पेशकश फेस टू फेस। मैं हूं निशा प्रभा। चुनावों को लेकर पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं, लोग तैयार हैं, वोटर्स तैयार हैं, लेकिन क्या है चुनाव कमीशन की तैयारी, ये जानेंगे आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर नरेश महाजन निर्गुण। नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे चुनाव संहिता लग चुकी है, अगर आम भाषा में आप बता सके कि इसके क्या मायने हैं। इसके मायने यही हैं कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट उसकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि वो जो भी काम करेगा वो ऑथोराइज्ड मैनर से करेगा जी। उसमें जो लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं कि जैसे कोई रैली करनी है, कोई गाड़ी पे फ्लैग इंस्टॉल करना है, कोई बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, हर एक चीज़ के लिए वो परमिटेड होगा काम जी। और उसमें जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे बिल्कुल भी कोई चीज़ ऑथोराइज नहीं है ऐसा कुछ बैनर होर्डिंग लगाना या उसको यूज़ करना। सेकेंडली जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जी। हमें वो अवॉइड करने हैं कि बिल्कुल भी वहाँ पे अलाउड ही नहीं है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी। तो कैंडिडेट ने जैसे कोई भी परमिशन लेनी है तो उसके लिए वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर को अप्लाई करेगा कि मेरे को रैली जलसा जलूस ऐसा कुछ करना है जी। तो वो अगर उसके बिना करता है तो वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन है जी। ऐसे में जनता के लिए क्या निर्देश रहते हैं? हाँ, जनता के लिए यही है कि वो अवेयर रहे कि वो कहीं पे भी उनको अनऑथोराइज्ड कुछ भी एक्टिविटी होती नजर आती है तो वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करें। उसके अलावा हमने कुछ एप्स बनाई हुई हैं कि जैसे कैंडिडेट ने अपनी परमिशन लेनी है तो उसके लिए एक सुविधा नाम से एक ऐप है जी। तो उससे अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता है तो उसके लिए समाधान वो जिसमें मेनली कैंडिडेट्स के लिए है वैसे दूसरा भी कर सकता है तो समाधान में वो अपना कंप्लेंट करके उसका सोल्यूशन भी ऑनलाइन ही मिलेगा, उसका कंप्लायंस रिपोर्ट वहाँ पे जी। वो आए। तो कैंडिडेट्स के लिए क्या हिदायतें रहती हैं चुनाव कमीशन की तरफ से? कैंडिडेट्स के लिए यही है कि एक लिमिट्स जो हैं टारगेट्स फिक्स किए हैं कि इस लिमिट में उसने एक्सपेंडिचर करना है। जो भी वो काम कैंडिडेट करता है उसके लिए वो सारी नियम फिक्स हैं कि वो एक तो इजाज़त से करेगा जी। और जो भी काम करेगा उसके लिए उसका एक्सपेंडिचर बुक होगा। तो एक्सपेंडिचर बुक करने के लिए उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारी वीडियो सर्वेलेंस टीम्स जो हैं वो फील्ड में रहेंगी। तो वो जो भी डाटा रिकॉर्ड करेंगी वो सारा डाटा वीडियो व्यूइंग टीम द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। तो काफी टेक्निकल होती जा रही है चुनाव कमीशन भी, लेकिन सोशल मीडिया की अगर हम बात करें जी उसके रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं? सोशल मीडिया में हम कह सकते हैं कि एक पूरा चेक है कि कोई भी ऐसी इर्रेस्पॉन्सिबल कोई पोस्ट है तो उसके लिए भी एक प्रावधान है कि उसको हम नहीं उसका रिपोर्ट जाएगी वायलेशन की। सिमिलरली एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल मास ग्रुप्स को हमें यही देखना चाहिए कि एक इम्पार्शलिटी जो है टुवर्ड्स एवरी कैंडिडेट एंड द पार्टी वो एज अ सिटीजन वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर सोशल साइट्स को मिसयूज ना होने दें उसमें जो भी कम्युनिकेशन है वो जायज होना चाहिए। लेकिन जो प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट चल रही है अभी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वो हो सकती है? वो ऐसा है कि जो भी प्रमोशंस हैं वो भी उसके एक्सपेंडिचर में और कैंडिडेट और एक्सपेंडिचर में काउंट होगी। जो भी कमर्शियल ऐसा कोई भी चीज कहीं पे एड है और मीडिया के लिए ये है कि वो कोई भी पेड न्यूज वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट अपनी कोई भी कवरेज देता है लेकिन वो उसका लिए एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, मोस्टली इसमें यही रहेगा कि जो भी एक्टिविटी फील्ड से रिपोर्ट होती है तो मीडिया का ये काम रहेगा कि वो इम्पार्शली अनबायस्ड मैनर से वो सारे कैंडिडेट्स को स्पेस देगा और रिपोर्टिंग सबके लिए। मेन ये इसका इलेक्शन का या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये है कि
किसी के साथ भी कोई पार्शलिटी ना हो, सबको बराबर का मौका मिले, लेकिन जो चुनाव आयोग की हिदायतों के दायरे में रह के सारा काम आगे बढ़े। तो हिदायतों के अनुसार तो बैनर्स और होर्डिंग्स भी नहीं लगाए जा सकते जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं। जी, तो कुछ एरियाज में अभी भी ये लग रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हिदायतों के अनुसार अगर बैनर होर्डिंग नहीं लगाएंगे तो फिर दूसरों को कैसे पता चलेगा कि इलेक्शन है। बैनर और होर्डिंग का लगाना वो कैंडिडेट की अपनी मर्जी है कि उसे लगाना चाहिए, उसने अगर प्रचार करना चाहता है। सिर्फ कमीशन यही कहता है, हिदायतें यही कहती हैं कि वो लगाए जरूर, लेकिन वो इजाजत से लगाए। अगर इजाजत नहीं है, परमिशन अनपरमिटेड है, तो वो एक वायलेशन मानी जाती है। तो अदरवाइज लेकिन आम जनता को कैसे पता चलेगा कि ये परमिशन ली हुई है या नहीं ली हुई, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है? जी जी, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए जैसे कोई होर्डिंग लगा है, अब होर्डिंग जो है वो इजाजत से भी लगा हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है और बिना भी वैलिडिटी के भी हो सकता है। उसके लिए ये चीज है कि कोई कंप्लेंट करता है तो इमीडिएटली उसकी वेरिफिकेशन मिल जाएगी कि ये ऐसे प्रॉपर ऑथोराइज्ड है या अनऑथोराइज्ड है। तो क्या कार्रवाई हो सकती है अगर कुछ ऐसा इनवैलिड आपको देखने को? हाँ, अगर ऐसा, हमारी जो टीम्स हैं वो सारी फील्ड में अभी जो एमसीसी की के तहत सारा फील्ड में एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें वो वीडियो रिकॉर्ड करके रिपोर्ट आती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग के हिसाब से जो एमसीसी वायलेशन का नोटिस इशू होता है जी, जो पार्टी या कैंडिडेट के नाम से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सारी मशीनरी जितनी भी टीम्स हैं वो फुली एक्टिवेट हो चुकी हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, कोई कैश है, कोई लीकर का है, तो वो फ्लाइंग स्क्वाड्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग जगह पे नाका लगाकर स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स जो हैं वो अपना पूरा काम कर रही हैं। तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी ऐसी वायलेशन का ऐसा कोई गुंजाइश छोड़ी हुई है। जी, चुनावों पे, चुनाव संहिता पे और भी बातें होंगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Modern Sandeepni School is a boarding cum day boarding school with its existence since 19 years. Modern Sandeepni School is school of the genius and for the genius. School has a wonderful sports infrastructure like football, basketball, volleyball, swimming pool, air-conditioned hostels, transport and mess facility is also available. School is fully equipped with modern labs, robotic labs where children designs various robots. For admissions and inquiries, please contact us. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर नरेश महाजन निर्गुन से। सर, चुनाव संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी रहती है? देखिए, इसमें जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे होते हैं जी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो असेंबली के इलेक्शंस हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिटर्निंग ऑफिसर है, मेन तो उन्हीं का है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके आगे फील्ड की टीम्स हैं कि जो काम करती हैं उसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि जैसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक टीम्स का नेटवर्क है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके हेड जो रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर। तो ऐसे में जब पठानकोट जो है वो एक बहुत संवेदनशील एरिया हो गया है, क्योंकि पहले दीनानगर में अटैक हुए, फिर पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ, तो ऐसी क्या खास तैयारियां चुनाव आयोग ने यहाँ की? ये सवाल मैं समझता हूँ कि अगर आप ज़िले के एसएसपी साहब से करते तो बेहतर जवाब होता, लेकिन फिर भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सारी एक तैयारी के तौर पे हर तरह की वल्नरेबिलिटी के हिसाब से असेसमेंट करवाया गया है कि जो जो एरिया वल्नरेबल हैं या सेंसिटिव हैं उन सब का सर्वे करवाया गया है। उसके लिए सिविल और पुलिस ऑफिसर्स की टीम्स ने जो सारा काम किया है जी। और सारा अब इलेक्शंस के हिसाब से एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे
उनको बुलाया गया है कि वो अपना अपना, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर स्टेट है, तो उस एंगल से मेरा ख्याल है कि पूरी तरह से चाक चौबंद जो प्रबंध है वो इन प्लेस है। तो जो स्वीप है, एक मुहिम आपकी तरफ से छेड़ी गई थी, तो उसके बारे में जरा बताओ। स्वीप मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्राइम प्रोग्राम है कि जिसके तहत लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है इस टाइम इलेक्शन कमीशन का, कि इसको स्वीप को इस एब्रिवेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो इसमें पठानकोट डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक मिसाल कायम कर रहा है, इस तरह से काम चल रहा है। तो इसमें खास तौर पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक इनोवेटिव तरीके से काम हो, ताकि जो वोटिंग अवेयरनेस का जो कैंपेन है वो बात जिसकी जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक पहुँचे भी, और उसमें एक थोड़ा आर्टिस्टिक तरीके से और इनोवेटिव मैनर से ये कैंपेन आगे बढ़े। लेकिन आपको लगता है कि कुछ चुनौतियाँ अभी भी आपके सामने हैं, जो एक तो फर्जी वोटिंग जो होती है जी, तो उसको कैसे नकेल कसेंगे इस बार? फर्जी वोटिंग का जो बात है वो पुराने जमाने की हो चुकी है मेरे हिसाब से। इस तरह के स्टीक प्रबंध कर दिए गए हैं कि कोई ऐसा चांस ही नहीं बचता कि कोई भी दूसरा वोट बनाना ही अपने आप में इस टाइम पे वो एक जुर्म के तौर पे लिया जा चुका है। लेकिन ऐसे कई तरीके पार्टियों की तरफ से आजमाए जाते हैं, जैसे वोटर लिस्ट की पूरी पूरी फोटो कॉपीज उनके पास होती है कि किसका वोट पड़ा है किसका नहीं, तो वो उस तरह से भी जाली वोटिंग जो होती है, तो उसको कैसे रोकेंगे? हाँ, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि वोटर लिस्ट की कॉपीज हम उनको प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि ये हर एक चीज में हम पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व रखते हैं, अवेयर रखते हैं, इन्फॉर्म रखते हैं, ताकि कुछ भी चीज जो है वो उनकी नॉलेज में रहनी चाहिए। लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, तो उसका मिसयूज का कोई गुंजाइश और कोई ऐसा लकुना छोड़ा ही नहीं है कमीशन ने। हर एक चीज के ऊपर इलेक्टर की फोटो लगी है जी। वो उसका वोटर कार्ड है, वो लिस्ट में उसका लिस्ट में भी उसकी फोटो है, तो इसलिए कोई ऐसा चांस बचा ही नहीं है कि कोई भी ऐसा आदमी फर्जी वोटर या कोई डुप्लीकेट वोटर ऐसे कास्ट कर जाए। देयर इज नो सच प्रोविजन एग्जिस्टिंग राइट नाउ। तो दूसरी जो खामी है कि अभी तक वोटर कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, कई ऐसे हमारे पास केसेस हैं जिनको वोटर कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं। जिनके नहीं मिले हैं उनको वो इन पाइपलाइन है प्रोसेस, अभी 5 तारीख को जो फाइनल वोटर लिस्ट जो इशू हुई है उसमें अगर वोटर लिस्ट पे भी नाम है तो कार्ड तो चलो आ ही जाएगा सबके पास, अगर नहीं आया तो वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। वो बेहतर होगा कि वो उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले। तो जिन जिन वोटर्स की डेथ हो चुकी है जी जी, तो उनके वोट्स का भी कोई ऐसा डर नहीं है कि जाली वोटिंग होगी? देखिए ऐसा है कि जिनकी डेथ हो चुकी है दोज नेम्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम दी फाइनल लिस्ट, तो वो चुनाव आयोग की तरफ से कट किए गए या फैमिलीज की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो कट करवाएंगे? नहीं, अब वो नेचुरली कोई इन्फॉर्म करता है कि ऐसे ही इनकी डेथ, किसी को आयोग को तो पता नहीं चलेगा। जिन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, ये सवाल उनके लिए। हाँ जी, जिन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो वो खुद ही जब हमारे BLOs वहां पे चेक करते हैं तो वो चीजें ध्यान में आ जाती हैं। अगर फिर भी अगर कोई नाम कटने वाला फॉर एग्जाम्पल रह भी गया हो तो उसमें क्या है कि वो वोट कैसे डालेगा, उसकी चेहरे की फोटो लगी है, उसके वोटर लिस्ट पे रिकॉर्ड है, तो वो कहाँ से अब वो दूसरा जन्म तो लेके आ नहीं जाएगा उसी चेहरे से, वो नहीं। लेकिन पहले भी बहुत ऐसी वोटिंग होती रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। उम्मीद आप उम्मीद करते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं गया है। बी वोटर पठानकोटर, ये भी बहुत अच्छा आपने स्लोगन दिया था जी जी, तो इसके बारे में जरा बताएं कितना रिस्पांस इस मुहिम को मिला है? मैं ये कहूंगा कि ये बी ए वोटर पठानकोटर जो है, पठानकोटर वर्ड ही अपने आप में शायद पहली बार ये टर्म यूज की होगी, और ये स्लोगन को रिस्पांस इतना ज्यादा मिला है कि अभी तक 33,000 विजिटर्स जो हैं वो हमारी जो फेसबुक है जिसका टाइटल ही बी ए वोटर पठानकोटर के नाम से है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसको व्यू कर चुके हैं और उसमें इतने शेयर्स और लाइक्स हैं कि सारी स्वीप की जो एक्टिविटीज़ है
वो इसी साइट पे, इसी फेसबुक पेज पे लोड होती है रेगुलरली, तो उसको काफ़ी पॉपुलरिटी है इस साइट की इस टाइम में, कहूँगा कि बी ए वोटर पठानकोटर, और इसको पब्लिक ने एक तरह से मैं कहूँगा कि हाथों हाथ लिया है। ये आपकी लाइफ का भी एक पहलू है कि आप कविता भी लिखते हैं, गजल लिखते हैं, और बहुत से लोगों को पता भी है क्योंकि दूरदर्शन पे भी आप काफी आते हैं जी। तो इस चुनाव भी कैंपेन पे भी कुछ ऐसा लिखा है आपने? देखिए, एक तो सबसे पहले ये स्लोगन मैंने लिखा है, बी ए वोटर पठानकोटर। फिर हमने एक इनोवेटिव एक्टिविटी के तौर पे एक सेल्फी कॉन्टेस्ट शुरू किया था। दो सारी चीजें हम उनकी विशेष के मुताबिक, हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर श्री अमित कुमार जी की विशेष के मुताबिक ही सारा कंपेन चल रहा है। तो वहां पे हमने एक स्लोगन लिया था, द स्टाइलर वोटर पठानकोटर। सिमिलरली उसके अलावा हमने जो प्रीवियस इलेक्शन में एक मैंने वो एक नारा दिया था, वोट वोट पठानकोट, तो उस पे मैंने एक नज़म लिखी थी। अगर एक दो अशआर आप कहें तो मैं यहाँ पे वो पढ़ सकता हूँ कि तब वो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट बना था, तो उसको पठानकोट को एड्रेस करते हुए वो बात आई थी कि तेरे सर पे जिले का ताज, शहर है तो खुश मिजाज, लोक सेवा जहाँ जुनून, कितनी संस्थाएं हैं लोक सेवा की भावना है, लोक सेवा जहाँ जुनून, कुछ नहीं है मगर सुकून, तेरी आंख में, तेरी मतलब पठानकोट, तेरी आंख में कितने ख्वाब झिल मिलाए नया चुनाव, तेरे मन में ना कोई खोट, तेरे मन में ना कोई खोट, वोट वोट पठानकोट, धार पोवा और नरोट, वोट वोट पठानकोट। बहुत बहुत बढ़िया। सर, ये जो आपका नाम है नरेश कुमार महाजन निर्गुन, निर्गुन भी ऐसे इसी ही तरीके से मिला है आपको, नज्म लिखते हैं या क्या राज क्या है? ये निर्गुन आप कह सकते हैं कि मेरा तखल्लुस है, जो उर्दू शायरी में जैसे बहुत माइनर पोइट्स के लिए एक अपना तखल्लुस होता है, ये मेरा वो पेन नेम है, निर्गुन से मैं लिखता हूँ। तो मेरी जो गजलें हैं तो उसमें जैसे वो मकता होता है आखिरी वाला शेर, तो कई बार वो जरूरत होती है कि वहाँ पे आखिरी शेर आप अपने नाम से कह लेते हैं समटाइम्स। जी, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं जी, उसके अलावा ये जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, और भी तीन चार जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं जी, जी। ऐसे लोगों को एक एक नौकरी नहीं मिलती, आप इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभा रहे हैं, ये जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, ये कहाँ से आती है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोगों को जो एक एक नौकरी नहीं मिलती, मैं नौकरी पगार एक ही नौकरी की ले रहा हूँ जी, तो काम काफी सारे कर रहा हूँ जी। वो पॉजिटिव एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं, इतने सारे काम एक साथ कर रहे हैं? हाँ, मैं शायद, मेरे को लगता है कि मेरे में जो एक आर्ट का या एक संजीदगी का जो पहलू है एक मेरे अंदर, वो एक उसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति की एक भावना सी भी छिपी हुई है जी। एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो जो एक पैट्रियोटिज्म का जो एक है उसमें मिश्रण, तो वो यहाँ पे इस सारी एक्टिविटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं चाहता हूँ कि अपने देश के लिए अगर मैं अपनी पोइट्री को यूज़ करता हूँ, अपने काम को यूज़ करता हूँ, तो उसका जो बेनिफिट है वो इस नेशनल कंपेन्स में मिल रहा है, तो उसकी मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि जो एक पॉजिटिव तरीके से काम जो दूसरे के लिए किया जाता है, तो ये दूसरे के लिए नहीं, मैं शायद अपने लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि अपने देश के लिए काम वो अपने लिए होता है जी। वोटर्स के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? उनके लिए तो मेरा यही संदेश है कि किसी भी तरीके से, बिना लोभ लालच, किसी प्रेशर के बिना और बिना किसी जाति धर्म के, वो अपना वोट जो है अपने अंदर की आवाज सुनते हुए और अपने देश को ध्यान में रखते हुए, अपने मुल्क की तरक्की और उन्नति को ध्यान में रखते हुए वो अपना वोट डालें, और ये भी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ऐसा आदमी अपने परिवार में या अपने सर्कल में, वो ऐसा घर में बैठा ना रह जाए कि वो वोट ना डाले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में हमें समय दिया। ये थे हमारे साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर नरेश महाजन निर्गुन। फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।